नमस्कार दोस्तों, आओ सीके चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं 0 से 8 मंथ बेबी के लिए बेबी स्वेटर लाई हूँ। इसके लिए मैंने 10 नंबर की सिलाई पे 60 फंदे डाले हैं और 8 लाइन दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुना है, जिससे देखिए 4 उल्टे फंदों की धारियाँ हैं। 1 2 3 4 ये आगे से, और देखिए 1 2 3 4 पीछे से, यानी 4 धारियां आगे से और 4 धारियां पीछे से आ गई हैं। और देखिए यहाँ 5वीं लाइन में मैंने देखिए यहाँ पे बटन होल बनाया है। तो बटन होल मैं आगे बता भी दूंगी, यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ। तो देखिए बटन होल बनाने के लिए पहले ये हम इसको ऐसे नेट वाइज डालेंगे और इसको स्लिप कर लेंगे, अब उन अपनी ओर करेंगे और 2 फंदा उल्टा बुन लेंगे। देखिए मैंने 4थे और 5वें फंदे पे बटन होल बनाया है। और बटन होल बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको जो देखिए ये हमारी तरफ है, इसको घुमाकर वापस अपनी तरफ लाएंगे और 2 फंदों को हम एक साथ लेके उल्टा बुन लेंगे और उसके बाद शेष फंदे भी हम उल्टा बुनते जाएंगे। अब मैं ये आपको बताने के लिए बता रही हूँ, तो इसलिए मैं यहीं से मुड़ रही हूँ। मान लीजिए कि हमने पूरी लाइन उल्टा बुन लिया और उल्टा बुनते हुए रॉन्ग साइड से भी उल्टा बुनते हुए यहाँ तक आ गए हैं। अब हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। अब देखिए ये फंदा हमने जाली दिया था ना, तो इसको ऐसे सिलाई डालिए और इसको उल्टा बुन लीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये होल बन गया, अब ये आपका बटन होल का काम करेगा। और शेष फंदे भी उल्टा बुन लीजिए। देखिए यहाँ बटन होल हो गया, तो मैं इसको उधार दे रही हूँ क्योंकि ये मैंने आपको बताने के लिए किया है। और अब देखिए अब 8 लाइन का हमने दोनों तरफ उल्टा उल्टा बुन लिया, ये हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि इन फंदों को यानी 60 फंदों को हम 5 भागों में डिवाइड करेंगे। चूंकि हम टॉप टू डाउन बना रहे हैं, यानी हम गले से तरफ से बनाना शुरू कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको 5 भागों में डिवाइड करेंगे। ये हमने बॉर्डर बना लिया है, यह हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम 5 भागों में विभाजित करेंगे, 2 फ्रंट के, 2 आस्तीन के और 1 पोर्शन बैक का। ये हमने 5 भागों में विभाजित किया, 1 2 3 4 5, 2 फ्रंट के, 2 आस्तीन के और 1 बैक का। तो फ्रंट में हमारे बॉर्डर भी रहेगा, तो दोनों तरफ बॉर्डर हो गया। तो बॉर्डर के लिए हम 6-6 फंदे रखेंगे और फ्रंट के लिए 6-6 फंदे, आस्तीन के लिए 7-7 फंदे रखेंगे और 18 फंदे हम बैक के लिए रखेंगे। तो हमने देखिए कैसे विभाजित किया 60 फंदों को, 6 फंदे बॉर्डर के, 6 फंदे फ्रंट पार्ट के, ये 1 फंदा हमारा डिवाइडर रहेगा, यानी आस्तीन और फ्रंट और आस्तीन को बांटने के लिए 1 फंदा। फिर ये आस्तीन का 7 फंदा, फिर ये देखिए बैक को आस्तीन और बैक को करने के लिए 1 डिवाइडर, ये हुआ 1 फंदा। फिर 18 फंदे बैक के, फिर 1 फंदा थर्ड डिवाइडर, फिर 7 फंदा सेकंड आस्तीन प्लस 1 ये फोर्थ डिवाइडर, 6 फंदा आपका सेकंड फ्रंट पार्ट और प्लस 6 फंदा ये हमारा बॉर्डर का। तो हमने 60 फंदों को इस तरह विभाजित किया, 6 + 6 + 1 + 7 + 1 + 18 + 1 + 7 + 1 + 6 + 6, इस तरह हमने 60 फंदों को डिवाइड किया। अब चलिए स्वेटर पे देखते हैं कि इसे हम कैसे डिवाइड करेंगे। तो पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, उन अपनी ओर करेंगे, 5 फंदा हम उल्टा बुनेंगे, 1 2 3 4 5।
तो टोटल हो गया 6 फंदे, ये हमारा बॉर्डर हो गया। अब उन दूसरी ओर करेंगे और 6 फंदा हम फ्रंट का बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 फंदा फ्रंट का हो गया। अब इस 7वें फंदे पर ये हमारा डिवाइडर है, तो यहाँ पे हम डिवाइडर पे हम फंदे बढ़ाएंगे। तो क्या करेंगे, एक बार उल्टा बुनेंगे, फिर उन दूसरी ओर, फिर इसी में एक बार सीधा, फिर उन अपनी ओर, फिर इसी में एक बार उल्टा। तो यहाँ पे हमने 7वें फंदे पर, ये डिवाइडर पे, फर्स्ट डिवाइडर पे हमने 3 फंदे बना लिए, पहले उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर उन दूसरी ओर करेंगे। अब ये हमारा आस्तीन है, तो आस्तीन पे हमने 7 फंदे रखे हैं, तो 7 फंदा हम बुन लेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 फंदा ये आस्तीन का होगा। अब ये सेकंड डिवाइडर है, तो उन अपनी ओर करेंगे और इस फंदे पे हम 3 फंदे बनाएंगे, एक बार उल्टा बुनेंगे, उन दूसरी ओर, फिर इसी में सीधा, फिर उन अपनी ओर, फिर इसी में उल्टा। तो हमने डिवाइडर पे 3 फंदे बना लिए, उल्टा सीधा उल्टा, फिर उन दूसरी ओर करेंगे। अब बैक पे हमने 18 फंदे रखे हैं, तो 18 फंदे हम सीधा बुन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो ये हमारा बैक पोर्शन हो गया। अब ये थर्ड डिवाइडर आ गया, तो डिवाइडर पे हमको क्या करना है, पहले उल्टा बुनना है, फिर इसी में सीधा बुनना है, फिर इसी फंदे को बिना गिराए इसी में एक बार उल्टा बुन लेना है। तो डिवाइडर पे हमने बुना उल्टा सीधा उल्टा। अब उन दूसरी ओर करेंगे। अब ये हमारा सेकेंड आस्तीन है, तो आस्तीन पे हमने 7 फंदे रखे हैं, तो 7 फंदा हम सीधा बुन लेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ये हमारा फोर्थ डिवाइडर आ गया, तो उन अपनी ओर, इस फंदे में एक बार उल्टा, फिर इसी में एक बार सीधा, फिर इसी में एक बार उल्टा। अब उन दूसरी ओर, ये हमारा सेकंड फ्रंट पार्ट है, तो 7 यहाँ पे हमने 6 फंदे रखे हैं, 6 फंदा उल्टा सीधा बुन लेंगे, 6 फंदा सीधा बुन लेंगे, ये 1 हुआ, 2, 3, 4, 5, 6। अब हमारे पास 6 फंदे बचे हैं, ये हमारा बॉर्डर का फंदा है, तो उन अपनी ओर करेंगे, इन 6 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। तो हमने इस तरह फंदों को डिवाइड कर लिया। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में, पहले फंदे को हम ऐसे नीट वाइज सिलाई डालेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे और अब पूरी लाइन हम उल्टा बुन लेंगे। तो उल्टा बुनते हुए हमने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। अब हम फिर सामने की तरफ आ गए हैं, तो पहले हम पहले फंदे को ऐसे नीट वाइज सिलाई डालेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे और 5 फंदा उल्टा बुन लेंगे, बॉर्डर के ये फंदे हो जाएंगे। अब हम उन दूसरी ओर करेंगे। पिछली लाइन में हमने फ्रंट में 6 फंदे बुने थे, तो डिवाइडर पे 3 फंदे बनने से एक फंदा यहाँ अधिक हो गया, तो अब की हम 7 फंदा सीधा बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। और देखिए जो बीच वाला फंदा है डिवाइडर के, बीच वाले फंदे पे हम फिर 3 फंदे बनाएंगे, तो उन अपनी ओर करेंगे, इसमें एक बार उल्टा बुनेंगे, उन दूसरी ओर, फिर इसी में एक बार सीधा, फिर उन अपनी ओर, फिर इसी में एक बार उल्टा। यानी डिवाइडर पे हर सीधी लाइन में 2 फंदे एक्स्ट्रा होंगे, एक इस साइड के लिए और एक दूसरी साइड के लिए। अब यहाँ पे एक फ्रंट के लिए और एक आस्तीन के लिए, हर डिवाइडर पे हमें हर सीधी लाइन में 2-2 फंदे एक्स्ट्रा बढ़ते चले जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे 7 फंदे थे, दोनों साइड से एक एक फंदे अधिक हो जाएंगे, तो यहाँ पे 9 फंदे हो जाएंगे आस्तीन पे।
तो 9 फंदे सीधा बुनेंगे। ये डिवाइडर से एक फंदा हम और ले लेंगे और ये बीच वाले फंदे पे हम फिर 3 फंदा बनाएंगे उन अपनी ओर, एक बार उल्टा, फिर इसी फंदे को बिना गिराए इसी में एक बार सीधा, फिर उन अपनी ओर, फिर इसी में एक बार उल्टा। देखिए ये ऐसे बनते चला जाएगा। हर सीधी लाइन में डिवाइडर से दोनों तरफ में एक एक फंदे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि ये टॉप टू डाउन है, हमें फंदे बढ़ाने हैं। ये पोर्शन गले पे आएगा और ये नीचे की तरफ बढ़ रहा है, तो हमें हर सीधी लाइन में डिवाइडर पे एक एक फंदे दोनों साइड में बढ़ा देने हैं। ये फिर डिवाइडर आ गया, तो एक फंदा हम इससे ले लेंगे और बीच वाले फंदे पे हम फिर 3 फंदे बनाएंगे उन अपनी ओर, इसमें एक बार उल्टा, फिर उन दूसरी ओर एक बार सीधा, फिर इसी में बिना गिराए उन अपनी ओर और एक बार उल्टा। तो हर डिवाइडर पे हम ऐसे ही 3-3 फंदे बनाते जाएंगे, जिससे ये फंदे बढ़ते चले जाएंगे। ऐसे ही आप बनाइए, आपको डिवाइडर पे कैसे फंदे बढ़ाने हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे फिर डिवाइडर आ गया, तो एक बार और देख लीजिए। अब यहाँ पे 3 फंदे हैं, तो एक फंदा हमारा ये आ गया आस्तीन में और ये बीच वाले फंदे पे फिर 3 फंदे बनेंगे उन अपनी ओर, एक बार उल्टा, फिर इसी में बिना गिराए उन दूसरी ओर, एक बार सीधा, फिर बिना गिराए उन अपनी ओर और एक बार उल्टा। तो हमारा 3 फंदा, देखिए इससे 3 फंदा बढ़ गया। अब फिर जैसे हमारा चल रहा है वैसे ही चलेगा, बॉर्डर के फंदे उल्टे रहेंगे और बीच के फंदे हम सीधे पे बना रहे हैं, तो ऐसे ही बनेगा। तो मैं बना के आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, बटन होल बनने के बाद से ये अस्तधारी बन गया है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये हमारा धारी कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ 11वें धारे में हम फिर से बटन होल बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनेगा, पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, अब उन दूसरी ओर अपनी ओर करेंगे और 2 फंदा उल्टा बनाएंगे, 1, 2। अब उनको चढ़ाकर वापस अपनी ओर लाएंगे, 2 फंदे को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए 2 का एक, यानी एक फंदा यहाँ पे बढ़ा और एक फंदा यहाँ पे घट गया, और फिर अगला फंदा उल्टा। अब फिर शेष फंदे हम सीधा बुनते हुए डिवाइडर के पास आएंगे। तो हम डिवाइडर के पास आ गए, अब ये बीच का फंदा है, तो यहाँ पे हमको 3 फंदे बनाना है। पहला उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, और फिर जैसे फंदे हैं हमें सीधा बुनते जाएंगे और डिवाइडर पे हम 3-3 फंदे बनाते हुए लाइन कंप्लीट करेंगे। तो इस समय देखिए फ्रेंड, तो इस समय ये लगभग 2.5 इंच कंप्लीट हो गया है और हम 5.5 इंच तक इसकी लंबाई रखेंगे। तो 5.5 इंच कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा स्वेटर 5.5 इंच तक बनके तैयार है। कि ये कहीं से हम नापेंगे तो ये 5.5 इंच होगा। और इस समय और मोड़ने पर ये ऐसे दिखाई दे रहा है। और इस समय देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 जालियां बन चुकी हैं और हमारा स्वेटर 5.5 इंच तक बनके तैयार है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही बेबी स्वेटर का अपर पार्ट तैयार है। तो आशा है आपको पसंद आया होगा, आप भी अपने बेबी के लिए ऐसा बनाइए। इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।